पूरा देश देख रहा है जिस तरह से केंद्र सरकार के निर्देश के ऊपर शहीद शुभकर्म जी को शहीद किया गया, अर्धसैनिक फोर्सों ने गोली मारी है। 140 करोड़ लोग मोदी सरकार से इस बात का हिसाब लेंगे और मोर्चा अभी जारी है। जो MSP गारंटी कानून है, सीटू 50% के अनुसार फसलों के दाम हैं, किसान मजदूर का कर्ज और अन्य मांगे, खनौरी और शंभू के ऊपर मोर्चा जारी है। कोई भी गांव पंजाब और अन्य राज्यों का नहीं रहना चाहिए जिनकी ट्रैक्टर ट्रॉली वहां ना पहुंचे, एक तो ये आह्वान है। एक कल ही यहां अखंड पाठ साहब का जो आरंभ कर दिया जाएगा, 3 मार्च को इनका भोग यही गांव में दाना मंडी में डाला जाएगा। तो सब लोगों को अपील है अधिक से अधिक पहुंचे और शंभू मोर्चे और खनौरी मोर्चे पर जैसे लगातार जा रहे हैं वैसे पहुंचते रहें। देखिए, आज जो हमने हमारे युवा नेता शुभकरण सिंह का अंतिम अरदास हुई है, अंतिम संस्कार हुआ है, उनके संस्कार के वक्त पे हम सब परिवार और हम जिस तरीके से दुख की घड़ी में से बिचारे गुजर रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आकर सबने परिवार का और हमारे संगठनों का दुख बटाने की प्रयास किया है। समझदारी से सैन्य लोग यही कहते हैं कि जो दर्द होता है वो बटाने से कम होता है, खुशी बटाने से बढ़ जाती है। वो दर्द बटाने का प्रयास किया है सभी भाइयों ने, हम सबका धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन ये बात है कि आज जो हमारा, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारा ये युवा, ये केवल इस परिवार का शहीद नहीं है, इस गांव का शहीद नहीं है, केवल पंजाब का शहीद नहीं है, किसानी पूरे देश की लड़ाई थी MSP की, उस लड़ाई को लड़ते हुए उन्होंने शहादत दी है। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे आंदोलन खड़ा हुआ है, पूरा देश इस आंदोलन को अपना मानते हुए पहले से भी मजबूती से इस आंदोलन में जुटने का प्रयास करें। एक और FIR की बात भी आपने की, बस हम जो FIR की मांग करते हैं, हम वो आज नहीं की केवल, वो पहले से ही हमारी मांग चल रही है, क्योंकि जो सरकार से हमने पहले रिक्वेस्ट किया था कि वहाँ से हमारे लड़कों को उठाकर लेकर गए हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, हमारे व्हीकल्स तोड़े गए हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वो हमारी पहले से ही सरकार से बात हो चुकी है। लेकिन आपके माध्यम से मैं फिर दोबारा सरकार को अगवा करना चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि सरकार ढील मत करे, उसके ऊपर भी उनके ऊपर कार्रवाई होनी जरूरी है। आगे की रणनीति कब ऐलान करें? देखिए, आगे की रणनीति, देखिए आज का जो हालात था, हम सब गमगीन माहौल में हैं, रणनीति गढ़ने की, रणनीति तैयार करने की स्थिति में नहीं है, तो वो आगे मतलब बताएंगे।